देखो जी, व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन डायगनली, डायगनली ऐसे काट देंगे, एलिप्स बनेगी, क्या बनेगी, एलिप्स। व्हेन अ कोन इज कट डायगनली बाय अ प्लेन द फिगर अराइज इज नोन एज एलिप्स। क्या बनती है, एलिप्स। ठीक है, ठीक है जी, इट्स कॉल्ड कट डायगनली, कट डायगनली बाय अ प्लेन एलिप्स है ऐसे। ठीक है, ये दो फोकस होते हैं, प्लस में और एक माइनस में। ठीक है जी, वही ये फोकस है, ये इधर डायरेक्ट्रिक्स आती है, इधर क्या आती है, डायरेक्ट्रिक्स। इसमें जो पी ए है और पी ए, पी ए इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस। ठीक है, एंड पी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। और इसमें जो पी ए है, पिछली बार था पी ए इज इक्वल टू पी बी इन द केस ऑफ, इसमें पी ए इज लेस देन पी बी, जो इनका रेशियो हो गया दैट इज कॉल्ड लेस देन वन। जो इनका रेशियो था ई बोलते हैं, ई यानी एसेंट्रिसिटी, उसमें ई वन था, इसमें ई इज लेस देन वन। ई मीन्स एसेंट्रिसिटी। ठीक है जी, अच्छा एक ये आ गया, अब वन बाय वन चलते हैं। जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसमें सिचुएशन होती है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वन माइनस e स्क्वायर, e यहाँ से निकलेगा। ठीक है जी, और जो एक चीज़ और होती है a वो c भी बोलते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सीधे सीधे चलते हैं, सबसे पहले सेंटर, सेंटर हो गया ये जीरो जीरो, सेंटर हो गया जीरो, सेंटर के बाद आती है फोकाई, फोकाई होती है प्लस माइनस ए एन जी, एक ये है और एक ये वर्टिसेस जहां से ये मुड़ता है, एक यहां से गुजरा है, ये वो बी होता है ना, ये बी होता है, अभी बताता हूं उसका भी मतलब। जीरो बी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, वो तो वही होता है ए जीरो जीरो बी फोकस की। अब हम चीज देखेंगे वर्टिसेस। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी बड़ा एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस छोटे वाला, दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू, ऑन y x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
एक ए यहां पर है, एक ए यहां पर है, टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, टू बी, ठीक है जी। अच्छा जी, एल एल आर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, टू बी स्क्वायर बाय ए, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स किस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर, प्लस माइनस ए ओवर ई, इसमें ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, जहां पर ए होगा उसी एक्सिस पे एलिप्स बनेगी, ठीक है। अब दूसरी बनी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इस बार ए किसके नीचे है, वाई के नीचे, ठीक है जी, वही ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये सिचुएशन वही रहेगी, ठीक है जी। नंबर वन सेंटर जीरो जीरो, ओकाई सीधी घूम के चली जाएगी, वर्टिसेस ये होती है एलिप्स ये वाली, और ये आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगी ऐसे, ओकाई हो गया, वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्स, यहाँ ध्यान देना जरा, मेजर एक्सिस इस बार कहाँ पर है, वाई पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस एक्स पे तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही रहेगी टू ए, बड़े वाले को तो बड़ा ही बोला जाएगा ना, लेंथ ऑफ माइनर, एल एल आर दैट इज टू बी, मतलब ये टेबल आपको हर वक्त दिमाग में रहनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई पर आएगी इस बार, ठीक है ना, प्लस माइनस ए ओवर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस बार, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी, अगर फोकस यहां तो वाई एक्सिस भी बनेगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर,
हाँ ये पूछना पड़ता है, या फिर इक्वेशन अब आपको एलिस बनाने को बोलेगा, सिचुएशन को समझ के बनानी पड़ती है। इसका हाइपरबोला है, वो खत्म है, लास्ट है, वो भी मिलता जुलता ही है, सेम ही सिचुएशन होती है उसमें भी। देखो मेमोरी का सबसे बड़ा खेल मेमोरी का है, अगर आपको मेमोरी में फिट है तो कोई सब कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, सारा खेल रिवीजन का है, रिवीजन करते रहोगे कभी मार रहोगे, मार ही वो खाता है जिसकी रिवीजन नहीं होती। एलिप्स है ना ये, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आया, एक्स स्क्वायर बाय 36 वाई स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर 36, बड़ा वैल्यू किसके नीचे, एक्स के, तो एक्स एक्सिस का होगा, ठीक है जी। आपने फॉर्म यूज करी, क्या निकाल लिया, ई। अच्छा जी, अब सारी चीजें बतानी है इसकी, सेंटर होता है क्या, 0 0, नंबर 2 फोकाई, फोकाई क्या होगी, प्लस माइनस ए ई 0, यानी प्लस माइनस ए आपका हो जाएगा 6, बी हो जाएगा, वैसे तो प्लस माइनस लिखना चाहिए हमें, क्योंकि प्लस माइनस तो लगना ही लगना है, ये 6 है ये 10, मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 बन जाएगा, 2√5 0। नंबर 3 वर्टिसेस, जहाँ से घूमता है, प्लस जितना लिखोगे याद होती जाती चीज़ें, प्लस माइनस 6 0, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्स, मेजर एक्सिस एक्स पे है तो वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, टू ए, यानी लेंथ में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि लेंथ तो लेंथ ही है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए आ गया आपका 6, ई आपका है √5/3 यानी 18/3।
ज्ञानी बंटी मोटर लेने क्या? वो तो करे, चलो ठीक है, अब कल लग सुबह लगेगी क्या? स्कूटर तो यहीं खड़ा उसका, स्कूटर पहले इसी वाले करते हैं ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, उसके बाद सारा सबसे एम है पहले ई ढूंढना, ठीक है ना। बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। ए स्क्वायर क्या होगा 16, देयरफॉर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है जी। 1 माइनस बी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 16, सेवन बाय 16, ठीक है, प्लस माइनस रूट 7 ओवर, ये आ गया 0। ए ई, लो जी, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बनेगा प्लस माइनस रूट 7, ये सेम 2 ए 8, 2 बी 2b स्क्वायर 18 बटा 4 यानी 9 बाय a, a है 4 और e कितना है रूट 7, 16 बाय रूट 7। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, करा फिफ्थ देखो।
square by 49, ठीक है जी, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है जी। वही फिट करते हैं ए ई, ए आपका है 7, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा रूट 13 0, ए प्लस माइनस रूट 7, 7 6 14 12, 2b² 72/7 प्लस माइनस ए ई 7 49 बाय रूट,
4 x square छत्तीस को नीचे ले आए, एक्स स्क्वायर बाय नाइन वाई स्क्वायर बाय फोर, अब समझ में आया, ठीक है ना। सिचुएशन ए स्क्वायर नाइन, देयर फॉर ए हो गया प्लस माइनस, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर यानी बी हो गया प्लस माइनस टू। ए में पहले ई ढूंढना, प्लस माइनस रूट फाइव, ठीक है जी। सेंटर हो गया जीरो, प्लस माइनस ए, ए गया आपका थ्री, कट गया रूट फाइव जीरो, प्लस माइनस थ्री जीरो, थ्री ओवर ई नाइन बाय नाइन बाय रूट, ठीक है। लो जी क्वेश्चन नंबर टू देखें, अगर हम एक्स स्क्वायर बाय फोर वाई स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन, अब बड़ा वैल्यू किसके नीचे, वाई एक्सिस के नीचे, ए स्क्वायर तो हमारा 25 ही रहेगा, ए आ गया प्लस माइनस 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी आ गया प्लस माइनस 2, रूल वही है, याद है सारे में स्क्वायर है, सारे में क्या है स्क्वायर। टेक्निक्स
ठीक है जी, गॉट इट। मेजर एक्सेस एक्स हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये चीजें सेम रहेंगी, इधर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, ठीक है ना। सोच के करना, कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं। मेजर एक्सेस तो अब क्या है, वाई का कौन, वाई एक्सेस, एक्सेस इक्वल टू जीरो प्लस माइनस ए ई रूट 21, जीरो प्लस माइनस फाइव, ये तो यही रहेगा, 2a, 2b, 2b square, 8 by 5, लेंथ में प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है ना। a, a आपका है 5 और e होगा 25 by root, 25 by root, करो नोट। क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर चार। एक्स स्क्वायर बाय 25 जी,
ये हो गया प्लस प्लस माइनस सॉरी ए स्क्वायर तो 100 आएगा ना, उल्टा बड़े को ए स्क्वायर ही लिखना है ठीक है ना। ठीक है ये हो गया आपका प्लस माइनस, ये हो गया 25, ये हो गया 100, 1/4 ठीक है प्लस माइनस, क्योंकि इसमें लेस देन वन होता है उसमें ज्यादा आ रहा है। एकदम मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कैसे लिख दिया, प्लस माइनस ए 5√3 प्लस माइनस 2a 2b 2b² यानी 50/a कितना हो गया 5 प्लस माइनस a ओवर e, a है 10 20/√3 करो क्वेश्चन नंबर 6 x²/100 ठीक है जी। बी हो गया प्लस माइनस 20 1 माइनस
ईश्वर क्या बड़े वाले को बोले, ठीक है जी, बड़े को ए छोटे को, जीरो प्लस माइनस ए ई, ए हो गया आपका 20, ई कट गया 10 रूट थ्री, ए टू बी स्क्वायर 40 बाय 10 4 प्लस माइनस ए ओवर ई प्लस माइनस ए ओवर ई यानी 40 बाय रूट करो, ट्वेल्थ में एलिप्स पे क्वेश्चन आता है, एलिप्स एंड लाइन का, तो करा होगा तो कर पाओगे ना, वैसे इतनी ज्यादा चीजें नहीं बतानी होती, बट ये कि आपको पता होनी चाहिए उसकी सिमिलैरिटीज क्या है। शिवा करें सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन 36x को जी, ए स्क्वायर हो गया 36, बी स्क्वायर हो गया 4, ए हो गया प्लस माइनस 6, बी हो गया प्लस माइनस 2, ठीक है जी, 4 जी। ए ए है आपका 6 4 रूट टू बी
square by 8. 2b which are the A over equation 9 root plus minus 9 root. हो गया सेवन भी हो गया एट सोलह एक्स स्क्वायर एट्थ वाला तो पहले वाला ही हो गया ना तो एक एट्थ हम कर चुके हैं देखना जरा नहीं नहीं ठीक है ये नहीं नहीं करना सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्स स्क्वायर बाय वन वाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन ये आ गया आपका रूट फिफ्टीन बाय A E root 15 A over E 16 but a
लिए पहले ये तो कर लो, क्योंकि अभी 9 है ना, 11 पड़े हैं कुछ इसके, सुबह आ जाइए ठीक है।